जब आदि शंकराचार्य को बताया गया कि ना उनकी मदर बहुत बीमार है, शी कैन लीव हर बॉडी एनी टाइम, कभी भी अपना शरीर छोड़ सकती हैं, तो उन्होंने आपको याद किया है। तो आदि शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ पहुंचे अपनी माँ के पास, और अपनी माँ के पास पहुंच करके पहुंचे तो कुटिया में लेटी हुई हैं, माता जी लेटी हुई हैं। आदि शंकराचार्य जी पहुंचे, कहते माँ आपने मुझे याद किया, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो माँ बोली, शंकर तू मुझे उनके बारे में बता जिनका तू हृदय में स्मरण करता है, भजन करता है, मनन करता है। तो आदि शंकराचार्य ने कहा ठीक है माँ, वो निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, अविकार्य है, वो निराकार ब्रह्म। माँ बोली, शंकर मेरे प्राण कभी भी निकल जाएंगे, शंकर मुझे तो उनके बारे में क्यों नहीं बताता जिनका तू हृदय में भजन करता है। ठीक है माँ, वो परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है, वो परमात्मा जो उपदृष्टा है, अनुमंता है। माँ बोले, शंकर मेरे प्राण कभी भी निकल जाएंगे, शंकर मुझे तू उनके बारे में क्यों नहीं बताता जिनका तू हृदय में भजन करता है। तो आदि शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को बोला, भाई आप लोग बाहर जाइए, जरा इन्हों बाहर भेजा, चुटकनी बंद की, माँ अब तू राधा श्याम सुंदर के बारे में सुन। तो उनकी माता श्री फिर राधा कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को सुनते हुए अपने बेटे से, आदि शंकराचार्य से सुनते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। तो इसलिए जो मतलब बहुत ही घनघोर अद्वैतवादी भी रहे ना, फाइनली कहां पर आए, भक्ति के रस में ही आए। जैसे मधुसूदन सरस्वती जी वैसे निराकारवादी थे, अलग अलग स्थानों पर जाते थे, लोगों से मिलते थे, चैलेंज करते थे, उनको डिफीट करते थे, लेकिन जब वृंदावन आए वहां पर उन्होंने, जो हमारे षड गोस्वामी हैं इनसे उन्होंने हरि कथा सुन ली, और हरि कथा सुनने के बाद जो उनको रस मिला, अभी तक ब्रह्मानंद मिला था लेकिन रस नहीं मिला था। तो शिष्यों के पास वापस पहुंचे तो शिष्यों ने कहा, गुरुदेव बताइए ना आपने कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ किस किस को कैसे कैसे परास्त किया। वहाँ पर जाकर मधुसूदन सरस्वती ने बोला, देखो मैं वृंदावन से आ रहा हूँ, मुझको तो बस एक ही बात पता लगी है कि वंशीधारी भगवान श्री कृष्ण ये परम तत्व है, और इससे ऊंचा तत्व मैं नहीं जानता। मधुसूदन सरस्वती भी हो गए जी भक्ति रस में आ गए। तो जितने निराकारवादी भी हैं, शुरू शुरू में ऐश्वर्य के बारे में बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऐश्वर्य से ऊपर भगवान का रसिक रूप भी है, अखिल रसामृत मूर्ति। वो अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण है, इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं आती। यह आती है सनातन धर्म के अंदर, कंप्लीट एजुकेशन अबाउट गॉड। तो इसलिए भगवान में ऑपुलेंस भी है, ऐश्वर्य भी है, मधुरता भी है।